उठा रहे हैं और बारिश स्टार्ट हो गया पूरा, और कई सारे लोग भी यहाँ पर आकर बैठे हैं। बारिश में भीग रहे थे इसलिए 5 मिनट का बारिश और इतना सारा पानी यहाँ पर रुक गया। उस्ताद जी तो नहीं आ पाए तो बारिश में भीग गए होंगे शायद से। और देखो 5 मिनट के बारिश के बाद धूप निकल गई है और अभी ये पानी निकालते बैठे हैं दोनों भाई लोग। और देखिए पूरा कीचड़ कीचड़ यहाँ पर, देखो कितना सारा पानी जम गया और पूरा कीचड़ कीचड़ पूरा। जस्ट अभी मैं भाई यकीन नहीं मानोगे 5 मिनट के बारिश इतनी सारी फिल कर गया और हमारी ओला देखो कैसे चमक रही है 5 मिनट के बारिश के बाद। ओला भाई जस्ट सोलापुर सिटी में जाने के लिए निकल गई थी और रास्ते में बारिश आ गई तो गाँव तक गए थे शायद, वहाँ से वापस भी आ गए। देखो गाइस बॉटल भी भर गई है बारिश के पानी सर, सर, सर। ये डे काम कर रहा है। तो गाइस नेक्स्ट डे, इट इज नेक्स्ट डे ऑफ माय व्लॉग एंड टुडे रिहान एंड आलिया वेयर गोन, सॉरी रिहान और आलिया गए हैं अपनी कार लेकर घूमने के लिए। तो आज वो लोग अभी आएंगे, सुबह सुबह चले गए थे आज, उन्होंने स्कूल की दांडी भी मारी हुई है तो हम तो जाके आए स्कूल लेकिन वो लोग नहीं गए, तो देखते कब तक आते हैं। और आज बड़े दिनों के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है अपने इस झूले पर बैठने के लिए। आखिरकार बारिश ने हमें अपॉर्चुनिटी दे ही दी कि भाई बैठ जा अब तू झूले पर, और क्या बस उसने अपॉर्चुनिटी दे और हम ना माने किसी अपॉर्चुनिटी को, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम आ गए सीधा झूले पर बैठ गए क्योंकि ये पूरा सूखा सूखा था आज। और थोड़ा सा भी इंजॉय करो मेरे पीछे का सोयाबीन का व्यू, ये नहीं इधर। बारिश का मौसम तो चल ही रहा है तो मस्त मस्त वाइब्स आ रही है, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मज़े आ रहे हैं तो अच्छा व्यू भी था तो इसलिए आप लोगों को दिखाने का सोचा और दिखा भी दिया। और बाकी हमारा ग्रीन गार्डन फिर से री ग्रीन गार्डन बनने में लग गया है क्योंकि अब कोई खेती वेती हो तो नहीं रही है। और देखो री ग्रीन गार्डन हो रहा है हमारा, वापस से पूरा ग्रीन होने स्टार्ट हो गया और यहाँ से रास्ता बनाया हम लोगों ने सीधा, अभी ये रास्ता खेत तक जाता है हमारे। और अभी कल अपनी है लास्ट एग्ज़ाम तो लास्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है। आप लोग भी कहते होंगे कितना बोरिंग बंदा है यार, आ जाके एग्ज़ाम की बात करता है, आते जाते एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम करता है, ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसा एग्ज़ाम क्यों, इतना क्यों पढ़ाकू बन रहा है। इतना पढ़ाकू नहीं हूँ मैं लेकिन घर वाले व्लॉग देखते इसलिए, नहीं मैं सच्ची में पढ़ाई करता हूँ, मतलब समझ लो मतलब घर वाले व्लॉग देख रहे हैं ना इसलिए